अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो मिल सके। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो न्यू जॉब्स आई हुई बीपीएससी के थ्रू आई है। एक ऐड आया है कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले ही आया है, दो दो तीन दिन ही हो गए इसको, 4-5 दिन। तो सबसे पहले इसमें बात करें तो इंडस्ट्री कॉमर्स, ये असिस्टेंट डायरेक्टर, लेगर आर रजिस्ट्रार, ये 5 सीट हैं। इसकी LLB रिक्वायरमेंट है इसमें, जिनके पास LLB की डिग्री है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये क्राइटेरिया है, और यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें, और वो सारा कुछ दिया हुआ है। ये एक लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीट है, एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। इसमें मास्टर डिग्री रिक्वायर है, सेकंड डिवीजन के साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड फील्ड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। ये जिसमें जो है वो 50 ईयर्स मेल, फीमेल 53 ईयर्स। तो उसके अलावा नेक्स्ट है लॉ एंड पार्लियामेंट अफेयर, ये ट्रांसलेटर की सीट है, 2 सीट है। मास्टर डिग्री इन ट्रांसलेशन स्टडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। यहाँ ये रिक्वायरमेंट, यहाँ इस तरह से इनकी रिक्वायरमेंट उन्होंने दी हुई है। चीफ ट्रांसलेटर भी सेम इसी तरह, एम फिल इन ट्रांसलेशन स्टडी, वो मास्टर डिग्री रेलिवेंट चाहिए। उसके बाद पंजाब औकाफ ऑर्गेनाइजेशन में है असिस्टेंट इंजीनियर RSTO सिविल की जो है सीट आई हुई है। BSc इंजीनियरिंग के अंदर एलिमेंट डिसिप्लिन एंड रजिस्टर्ड एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, ये इसकी एक ही पोस्ट है। देन ये स्टेनोग्राफर की 17 पोस्ट आई हुई है, ओपन मेरिट 15 है, स्पेशल पर्सन कोटा 1 है, माइनॉरिटी कोटा 1 है, और टेम्परेरी बेसिस पे हैं, बाद में ये परमानेंट हो जाएंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ये सीट्स हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, और स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश एंड 35 पर मिनट इन टाइपिंग। इनका वो टाइपिंग का टेस्ट होता है, उसी के मुताबिक जो है वो आई हुई है सीट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो मिल सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।